तो गाइज ओला S1X 3 किलोवाट का वेरिएंट लिए हुए हमें लगभग 2 हफ्ते हो चुके हैं, और 2 हफ्तों में मैं क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, क्या इश्यूज आए हैं इस स्कूटर में मुझे, या कैसी परफॉर्मेंस है 2 हफ्तों के बाद, कोई परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम आई है कि नहीं आई है, कितने दिनों में डिलीवरी हुई है, क्या चीज़ की कमी है इसमें, क्या चीज़ ठीक लगे हैं, क्या चीज़ होना चाहिए था, ये सारी चीज़ों की आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो हेलो गाइज, मैं हूँ अदनान रहमान और आप जानते हो मुझे ओए माफिया के नेम से। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, जो इसका रिव्यू हमने किया था अपनी गाड़ी का, जब हम नई नई लेके आए थे तो इसका रिव्यू किया था, और उसमें से देखने वालों ने जिन जिन्होंने देखा है और उनके कुछ कमेंट्स थे, तो उनके कुछ क्वेश्चन थे, उन्होंने कमेंट्स में मुझे पूछा, और वो सारे क्वेश्चन का जवाब आज देने वाला हूँ मैं। जैसे कि एक क्वेश्चन था कि कितने दिन में डिलीवरी हुई। डिलीवरी तो हमें आपको मतलब डिपेंड करता है कि आपका शोरूम में कितनी वेटिंग है उस गाड़ी की, आप किस सिटी से हो, किस स्टेट से हो, वो सारी चीज़ें। और मैं अपने मऊ की बात करूँ तो 3 किलोवाट का वेरियंट मुझे 3 दिन में मिल गया था। वैसे 2 दिन में ही मिल जाता क्योंकि इसके कंपनी में जो है वो नंबर प्लेट नहीं था, इस वजह से लेट हो गई। अब डिपेंड करता है कि आपके शोरूम में कितना टाइम लगता है आपको डिलीवरी मिलने में। वैसे एक इश्यू जो है वो देखने को मिला है मुझे इसमें, क्योंकि टाइमिंग जो है वो टाइमिंग गलत है इस, और उसको हम सेट भी नहीं कर सकते क्योंकि कोई बटन नहीं दी गई है, और अगले अपडेट में जो है हम कनेक्ट कर पाएंगे इस गाड़ी को भी। और जहाँ तक टाइमिंग सही करने की बात है तो टाइमिंग सही होगी, वो भी अपडेट से जो है वो टाइमिंग सही हो जाएगी। वो हर गाड़ी में नहीं है, किसी किसी गाड़ी में है, मतलब 10 में से 2-4 गाड़ियों में जो है वो ये प्रॉब्लम है कि टाइमिंग जो है गाड़ी की गलत है। और एक क्वेश्चन ये था कि ये चलने में कैसा है, परफॉर्मेंस कैसी। यार देखो, वैसे बताओ तो रेंज तो काफ़ी ज़्यादा शानदार मिल रही है मुझे। रेंज की बात हो गई, 3 किलोवाट में आपको रेंज ज़्यादा मिल जाती है, और परफॉर्मेंस की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा बढ़िया चल रहा है, एकदम स्मूथली जो है वो गाड़ी चल रही है, कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है मुझे अभी तक। हाँ, डिपेंड करता है कि आप कौन सा वेरिएंट ले रहे हो। 2 किलोवाट का वेरिएंट लोगे तो उसको कम रेंज हो जाएगी और थोड़ा सा उसका प्राइसिंग भी कम हो जाएगी। गाड़ी की परफॉर्मेंस की बात करते हैं, गाड़ी जो है काफ़ी ज़्यादा क्विक पिकअप ले लेती है। ईको में आपको थोड़ा सा डीले मिलेगा, धीरे लगेगा कि धीरे चल रही है गाड़ी, बट अगर नॉर्मल मोड पे आप चलाओगे नॉर्मल पे भाई तो बहुत ज़्यादा बढ़िया चलने वाला है। अच्छा पिकअप है, अच्छी स्पीड है, और स्पोर्ट्स में जो है बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है इसका पिकअप, और बहुत ज़्यादा ही स्पीड हमें देखने को मिल जाती है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कमी की, क्या कमी लगी है मुझे, क्या चीज़ होनी चाहिए थी मेरे ख्याल से, क्योंकि हमने इतना जो पे किया है उस हिसाब से तो इतना कुछ तो हम शायद दे सकते थे यार। ठीक है, हम सबसे पहले कमी नंबर 1 की बात कर लेते हैं। इसमें कमी इस चीज़ की कि डिस्क ब्रेक ना तो आपको आगे देखने को मिलती है ना तो पीछे देखने को मिलती है, और जहाँ तक मुझे लगता है कम से कम 1 डिस्क ब्रेक तो दे देना चाहिए था आगे। ठीक है, ये हो गई। और दूसरी चीज़ हो गई कि जो DRLs होते हैं, डे टाइम रनिंग लाइट्स जो होती हैं, वो जो है वो गाड़ी को बहुत ज़्यादा सुंदर देखने में बना देती हैं, अच्छा लगता है। ओला के बाकी वेरिएंट्स में जो है वो DRLs हमें देखने को मिलते हैं, बट ये S1X में DRLs को भी काट दिया गया है क्योंकि पैसे कम हुए हैं। लेकिन यार मेरे को लगता है कि अब इतने भी आपने कम नहीं कर दी कि आप 1 DRLs नहीं दे सकते। चलो ठीक है, डिस्क हटा दिए, कम से कम 1 DRLs तो दे सकते थे ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यारा लगने लग जाता है उससे। अभी आप लो बीम और हाई बीम दोनों पे आप देख सकते हो लाइट्स ऑन है, बट DRL का ऑप्शन आपको ऑन करने के लिए नहीं मिलेगा। वो DRL जैसी लाइट दी गई है बट वो ऑन नहीं होती हैं, जो सबसे बड़ी कमी लगी। मुझे लगता है कि DRL कम से कम इस गाड़ी में हमें देखने को तो मिलना ही चाहिए था। ओके, अब कमी नंबर 3 की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी चीज़, आप ये जो वायरिंग देख रहे हो खुली खुली सी, इसको मेरे को लगता है कवर आप तो कर ही सकते थे, कितना आपका कॉस्ट उसमें ऐड हो जाता, कुछ नहीं होता। लेकिन हाँ, वायरिंग जहाँ तक है, वायरिंग से कुछ भी होता है अच्छा नहीं होता, चाहे वो आपका रूम हो या गाड़ी हो, जो भी हो, अगर वायरिंग शो होती है, दिखती रहती है, विजिबल रहती है, तो यार वो गाड़ी, मतलब गाड़ी हो या कमरा हो, वो सारी चीज़ों को सुंदर नहीं बनाती, घटिया देखने में लगने लग जाती है। तो मेरे को जहाँ तक लगता है कम से कम इस वायरिंग को आपको कवर कर देना चाहिए था ओला। और जो मैंने कमियां बताई हैं वो आपको मतलब लगा है कि नहीं कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए थी, वो भी आप कमेंट में करके ज़रूर बता सकते हो। और डिस्प्ले की क्या बात करें, डिस्प्ले और साउंड की, वो S1 Pro वगैरह में आती है, लेकिन साउंड और डिस्प्ले मेरे को मतलब उतना कुछ लगता नहीं। क्या मतलब आप गाना चलाते हुए गाड़ी चलाओगे यार, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। साउंड नहीं है तो मुझे कोई कमी नहीं लगी, और डिस्प्ले की जहाँ तक बात करें तो कोई दिक्कत नहीं है यार। हमें डिस्प्ले है, ठीक है, एक डिजिटल डिस्प्ले होता है, एक स्मार्ट डिस्प्ले होता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें। हमें स्मार्ट डिस्प्ले नहीं मिला है तो मुझे उसकी भी कोई कमी नहीं लगी, क्योंकि कॉस्ट जो है कम हुई है तो डिस्प्ले में जो है हाई ज़्यादा कॉस्ट आ जाता है। बट ये चीज़ कवर करनी चाहिए थी, DRLs देने चाहिए थे, डिस्क दें ना दें वो तो ठीक है, मेरे को बस कमी लगी तो मैंने बताया ये सारी चीज़ें। ओके, एक अपडेट से हमें, जैसा कि मैंने बताया, ऐप तो मिल गया हमें कनेक्ट करने के लिए, लेकिन वो गाड़ी अभी कनेक्ट नहीं हो पा रही, तो अगला अपडेट कब आता है वो देखना है हमें। और आपके जो कमेंट्स हैं, जो क्वेश्चन है, जो पूछना चाहते हो, वो कमेंट्स में डाल दो, और आई होप वीडियो भी पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या फिर किसी ब्लॉग में, नेक्स्ट स्ट्रीम पे। अभी के लिए चलते हैं गाइज, बाय, थैंक यू।